फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रिंकलर्स बेकरी। आई एम सोमा हियर। आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश, दैट इज़ विद मूंग दाल। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने हाफ कप यहाँ पे मूंग दाल लिया है, ठीक है। और वो मैंने धो के अच्छे से 2 घंटे के लिए मैंने अच्छे से भिगो दिए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका पानी ड्रेन आउट कर लेंगे और इसको हम लोग साइड में रखेंगे, ओके। सो अच्छे से धुल गया है मूंग दाल, देखिए सॉफ्ट हो गया है। हम लोग इसे दबाने से वो दब जाता है ना, टूट जाता है। तो मूंग दाल अच्छे से भिगा हुआ है। फिर हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे, ओके। इसको अभी साइड में रखते हैं, ग्राइंड नहीं करते हैं। फर्स्ट हम लोग अपना शुगर सिरप में चलते हैं, ओके। शुगर सिरप के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे 1 कप शुगर, ओके। इसमें हम लोग देंगे 1 कप पानी और 1/2 कप, ओके, 1/2 कप पानी बस। हम लोग अभी इसको अच्छे से बॉयल दे देंगे। हम लोग को एक तार ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को चिपचिपाट शुगर सिरप चाहिए, ओके। इसमें हम लोग 3-4 इलायची क्रश करके दे देंगे, ठीक है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर शुगर सिरप हम लोग का रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे 7-8 स्टैंड्स दे रही हूँ हम लोग केसर के। दिस फुल ऑप्शनल फ्रेंड्स, आपके पास है तो कैन गिव इट। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और कलर भी आता है हम लोगों का। इधर एक तार नहीं चाहिए, बट हम लोग को स्टिकी चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ रेडी। हम लोग अभी मूंग दाल ले लिए हैं, उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, पीस लेंगे, ग्राइंड, ओके। जितना हो सके पानी यहाँ पे हम लोग को एकदम मॉइस्चर कम होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग को बड़ा स्टिकमा शेप नहीं आएगा। अभी हम लोग इसको ग्राइंड कर लेते हैं, ओके, ब्लेंड। देखिए हमने पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा 2 टेबल स्पून ऐसा पानी देंगे, ठीक है। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे चना है, जो पनीर है वो मैंने यहाँ पे 1/2 कप दे रही हूँ, ठीक है। उसको हम लोग थोड़ा इसके साथ ब्लेंड कर लेंगे। देखिए एकदम फाइन सा पेस्ट हो गया है। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, ठीक है। हम लोग का खोया का भी टेस्ट आ जाएगा, इजंट इट। सो हम लोग इसको यहाँ पे 1 और 2, ओके, हम लोग यहाँ पे इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छा सा यहाँ पे खोया का टेस्ट आ जाएगा, ओके। बस खोया है तो वेरी फाइन, आप खोया भी डाल सकते हो, ओके, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। सो हम लोग का पेस्ट रेडी है। अभी हम लोग इसको बर्तन में निकाल लेते हैं, एक बेसन में। अभी इसको क्या करेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का बड़ा क्या होगा, बहुत अच्छा लश बड़ा एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगा। और फ्रेंड्स, इसका एक टिप है, ऑलवेज इन्हें एक ही डायरेक्शन में आप फेंकिएगा, ठीक है। एक बार एक करके फिर एंटीलॉक पिकलॉक ऐसा मत करिएगा, ओके। एक साइड से एक डायरेक्शन में इसको फेंकना है, ओके। तो अभी हम लोग चेक कैसे करेंगे जब हम लोग फेंकना हुआ क्या नहीं। सो विल चेक, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बर्तन रखा है, देखिए। सो ऐसा मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूंगी, तो ये जब ऊपर आ जाएगा ना, मतलब हम लोग का फेंकना हो गया है। नीचे बैठ गया तो मतलब नहीं हुआ है। अब देख सकते हो ऊपर है, मतलब हम लोग का फेंकना हो गया है। हियर इज इट हियर फ्रेंड। अभी आप लोग को जब भी लगता है कि बैटर आपका लिक्विड हो गया है, थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे बेसन नहीं तो सूजी देके आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। और आप बेसन से कर रहे हो तो इमिडिएटली कर सकते हो, बट आवाज़ से कर रहे हो सिमोलिना जो देते हो, फिर उसको फिर थोड़ा रेस्ट में दीजिए, ओके। दिस इज टिप हियर, ओके। तेल अभी हम लोग का गर्म हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग एक ही साइज़ का यहाँ पे डालेंगे, एक ही जैसे जैसे आप बड़ी नहीं देते हो फ्रेंड्स वैसा, ओके। आप हेल्पर स्पून भी डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसा करके डाल सकते हो, ठीक है। आपको बड़ा छोटा जैसा पसंद है आप ऐसा दे सकते हो, ओके। बहुत लाइट बनता है, बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। हमने सब फ्राई कर लिए यहाँ पे, देखिए। अभी हम लोग सिरप ने हम सिरप को थोड़ा वार्म करके रखे हैं, थोड़ा जो है मैंने यहाँ पे गर्म कर दिया था सिरप को, क्योंकि बहुत टाइम सिरप हो गया था ना,
इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया और गैस को ऑफ कर दिया। ठीक है, मतलब गैस ऑफ है। ठीक है, अभी हम ये सब यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और 5 मिनट्स तक, ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 मिनट्स इसका थोड़ा उल्टा उलट पलट करेंगे। ओके, सो आफ्टर 5 मिनट्स हम लोग देखेंगे हम लोग का कैसा स्पॉन्जी बना है। मूंग डाल के रसगुल्ले कितने अच्छे बने हैं, इतना सॉफ्ट फ्रेंड्स, जस्ट आई कैन एक्सप्लेन यू, और इतना टेम्पटिंग है, इतना सॉफ्ट है, जस्ट देखिए ऐसा आप करोगे, देखिए निकल आता है और पूरा एकदम अंदर तक गया है जूस, सो सॉफ्ट एंड सो टेस्टी। सो आप लोग ही बनाइएगा फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा बनाए हैं, है ना। सो आप लोग बनाइएगा, उनसे खिलाइए टेस्टी मूंग डाल के रसगुल्ले। थैंक यू वॉचिंग सी द नेक्स्ट रेसिपी, टिल देन गुड बाय।